फिजियोथेरेपी का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, जिसे कि PIVD कहते हैं। बेसिकली हम लोग देखते हैं कि इसमें अक्यूट और क्रॉनिक स्टेज होती है। अक्यूट स्टेज जो होती है वो इनिशियल डेज में होती है, मतलब पहले पहले जो सिम्टम्स आते हैं उसके लिए क्या रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, 3 से 4 दिन कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए। बेड रेस्ट क्यों बोलते हैं, ताकि हमारी स्पाइन में स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, ठीक है। उससे क्या है, फिर उसमें क्या करना है, हमें पेन फ्री पोजिशन चूज करनी है। वेदर हमें लेटते वक्त साइड अगर टर्न करके हम लेट रहे हैं तो राइट साइड लेट रहे हैं तो दोनों घुटने फोल्ड करने हैं, फ्लेक्स करना है और पिलो रखना है, ऐसे ही राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में है। अगर सीधे हम लेट रहे हैं तो दोनों घुटने मोड़ के बीच में पिलो रख के लेटना है, और अगर उल्टा लेट रहे हैं तो छाती पे हमें पिलो रखना है, ये हमें देखनी है। दूसरा क्या है कि हमें सिटिंग थोड़ा अवॉइड करनी है। अगर बैठना ही है तो हम खाने के टाइम पे और टॉयलेट जाने के टाइम पे बैठ सकते हैं। उसके साथ हमें क्या यूज करना है, लंबो सेक्टर बेल्ट आती है, वाइल ईटिंग आप वो बेल्ट पहन के बैठ सकते हैं। तो ये सब है। बाकी आप क्या करेंगे, जब आपको ट्रांसफर होना है बेड से तो क्या करना है, जैसे आप लेट के उठेंगे तो अपने हाथों के सहारे उठना है, और अगर उठ के खड़े होंगे तो दोनों हाथ बैक सपोर्ट के साथ उठना है, हाथों में वजन डालना है बैक के लिए। तो ये सारी ट्रांसफर टेक्निक्स है। दूसरा क्या है, इनिशियल डेज में जो इनिशियल 3 से 4 दिन होते हैं उसमें हम आइसिंग यूज करते हैं, आइसिंग थेरेपी, वो ताकि हम स्वेलिंग और जो हमारा इन्फ्लेमेशन है वो कम करने के लिए ये कर सकते हैं। बाकी अगर पेशेंट बेड रेस्ट पे है तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उसके लिए हम डायाफ्राम ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे स्ट्रेस रिलीज होगा। उसके साथ ही हीटिंग हम यूज कर सकते हैं, जब इनिशियल स्टेज जाके वो क्रॉस कर लेते हैं, 3 से 4 दिन ऊपर हो गया तो फिर बेड रेस्ट से जाके हम हीटिंग कर सकते हैं। और स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज होती हैं जिसकी 10 रेपिटेशन कर सकते हैं, फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज होती हैं 5 रेपिटेशन कर सकते हैं, और कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइज मैं जो बता रही हूँ वो अक्यूट डिस्क बल्ज में करनी है। अक्यूट डिस्क बल्ज में पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं, SLR सिंगल बैड रेस पॉजिटिव होता है, पेशेंट को पेन होगा वाइल स्नीजिंग और कफिंग एंड वाइल ब्रीथिंग, इसमें करने हैं आपको ये सारी एक्सरसाइज। बट अगर आपका क्रोनिक पेन है, ये सब करने में पेन बढ़ रहा है, तो फिर आपको हीटिंग थेरेपी के थ्रू और बेड रेस्ट के थ्रू ही वो करना है थोड़े दिन तक, जब तक आपको डॉक्टर्स बोल नहीं देते हैं एक्सरसाइज के लिए। तो ये सारा है। बाकी देखिए, फिजियोथेरेपी में बहुत सारी मोडालिटीज होती है जो हम PIVD के लिए यूज कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक थेरेपी है, IFT है, उसके साथ ही इसका ट्रीटमेंट इसके नाम पे ही है, नाम में ही छुपा है इसका ट्रीटमेंट। जैसे डिस्क है तो डी से आ गया डोंट मूव, आई से है आइसिंग, एस से है सपोर्ट विद सेक्रो लंबो सेक्रल बैग, और सी से है करेक्ट पॉस्चर एंड पोजिशन, करेक्ट पॉस्चर और पोजिशन मेंटेन करना है। ये सारे ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी में। अब मैं बताऊं प्रिकॉशंस क्या होते हैं। देखिए, मैं हर वीडियो में बोलते आ रही हूँ कि प्रिकॉशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि सब लोग हम जानते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो आप कितना ही ट्रीटमेंट करा लीजिए बट प्रिकॉशन हमें साथ में ध्यान रखना है। इसमें क्या करिए, आप रोटेशनल फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करनी है। दूसरा क्या है, अवॉइड लॉन्ग टाइम सिटिंग, 15 से 20 मिनट से ज्यादा बैठना नहीं, आपको पोजीशन चेंज करते रहना है, थोड़ी देर लेटना है उठना है, 15 मिनट से ज्यादा सिटिंग पोजीशन में नहीं करना है। उसके बाद क्या है, मॉर्निंग में एक सिम्टम होता है मॉर्निंग स्टिफनेस, इसमें बढ़ती है। तो क्या है कि कई पेशेंट जो PIVD के होते हैं वो उठ के फॉरवर्ड बेंड हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जैसे हम उठ के ब्रश कर रहे हैं या बकेट उठा रहे हैं या हम सॉक्स पहन रहे हैं मॉर्निंग में, तो उस ये 3 मूवमेंट में ऐसा होता है कि हमारा डिस्क एक जगह लॉक हो जाता है, तो ये दिक्कत बढ़ जाती है। तो मॉर्निंग में हम ये सारी एक्टिविटीज करने से पहले क्या कर सकते हैं, हल्की सी ब्रिस्क वॉक करी उठने के बाद, या फिर प्रोन पोजीशन में उल्टा लेट के हम हाथ गाल पे रख के ऐसे 5 सेकंड तक बैठ सकते हैं, उसके बाद ये एक्टिविटीज करें। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। थैंक यू डॉक्टर शालिनी। स्लिप डिस्क में फिजियोथेरेपी कितनी कारगर है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, इतनी सारी अच्छी जानकारी देने के लिए आइए अब चलते हैं हमारे वेलनेस थेरेपिस्ट श्रुतिका के पास। जानते हैं कि योगा, एसेंशियल ऑयल थेरेपी एंड
एंड साउंड थेरेपी स्लिप डिस्क में कितनी कारगर सिद्ध हुई। जैसे कि हम जानते हैं कि योगा किसी भी तरह के स्पाइनल इश्यूज के लिए बहुत इफेक्टिव है, ये हमारे स्पाइन को स्ट्रेंथन करने में, मसल्स को, नर्व्स को स्ट्रेंथन करने में और रिजुविनेशन में बहुत हेल्प करता है। इसे हमें हमेशा किसी ट्रेन योगा थेरेपिस्ट के अंदर ही प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि हम आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका अपना प्रोग्राम डिजाइन कर पाएं। और कुछ आसन होते हैं जैसे कि शलभासन, ताड़ासन या भुजंगासन जो कि हमारे स्पाइनल मोबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करते हैं। हम जानते हैं कि साउंड थेरेपी भी किसी भी तरह के स्पाइनल इश्यूज में बहुत इफेक्टिव रहता है। इसमें हम वाइब्रेशनल थेरेपी यूज करते हैं और साथ में हम मेडिटेशन प्रैक्टिसेस भी यूज कर सकते हैं फॉर रिजुविनेशन। और इसमें हम स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन आपकी स्पाइन में देते हैं जो उसको स्ट्रेंथन करने में और नर्व्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। साथ ही अरोमा थेरेपी जिसे हम एसेंशियल ऑयल थेरेपी भी कहते हैं वो हम यूज कर सकते हैं पेन मैनेजमेंट के लिए। और जनरल जो इसके सिम्टम्स होते हैं या इफेक्ट्स होते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं उसके लिए हेल्प करता है, जैसे कि नौजिया या कुछ भी हो उसके लिए हम एसेंशियल ऑयल्स यूज कर सकते हैं फॉर एप्लीकेशन और फॉर इनहेलेशन। थैंक यू श्रुतिका। हमने अभी बात करी आयुर्वेदा, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी और साउंड थेरेपी, एसेंशियल थेरेपी के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने डाइटिशियन आकांक्षा से, जानते हैं कि स्लिप डिस्क में किस तरह की डाइट को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं डाइट और न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फिजिकल या फिर मेंटल हेल्थ कंडीशन के लिए। सेम फॉर स्लिप डिस्क, जैसे कि डॉक्टर प्रियंका ने आपको बताया था कि जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं, जो लचीले पदार्थ होता है स्पाइन के बीच में, वो रप्चर होना शुरू हो जाता है, जिसकी क्योरेंस हम डाइट से बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने डाइट में कोलेजन रिच जो हमारे फूड्स होते हैं वो हम इंक्लूड कर सकते हैं बेसिकली। जैसे हमारा जो भी इसे बोन ब्रॉथ जो हम बोलते हैं, जिसको हम सूप भी बोलते हैं बेसिकली, बोन्स का सूप, वो हम यूज़ कर सकते हैं अपने डाइट में, मतलब इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। सेकेंडली एग्स हम इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। सेम मैग्नीशियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि लिगामेंट्स को, जो आउटर लाइनिंग रप्चर हो जाती है उसको क्योर करने में, उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जिसमें आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, वो अपने डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। विटामिन B12 अपनी डाइट में हम इंक्लूड कर सकते हैं। विटामिन B12 बेसिकली नॉन वेजिटेरियन डिशेज में, मतलब नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स में ज़्यादा होता है, बट आजकल फोर्टिफाइड फूड्स बहुत मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि वेजिटेरियन फूड्स में भी विटामिन B12 को फोर्टिफाइड करके दे रहे हैं, तो वो अपनी डाइट में जो भी पेशेंट है वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो कि डॉक्टर शालिनी ने जैसे कि आपको बताया कि बेड रिडन हो जाता है कुछ लोग स्लिप डिस्क के लिए, उनको मूवमेंट ज़्यादा नहीं करनी होती है, तो हमें वाटर इनटेक का बहुत अच्छा ध्यान रखना होता है इसमें, कि अगर पेशेंट बेड पे है तो वो सिर्फ उतना ही लिक्विड इनटेक करे जितना कि उसको कोई भी डाइटिशियन या कोई न्यूट्रिशनिस्ट रिकमेंड करती है। ऐसा नहीं कि पेशेंट लेटे हैं तो वो खाते पीते रहें, अगर वो ज़्यादा पानी पिएंगे तो उनको यूरिनेशन या फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम होगी जिससे वो बार बार उठेंगे, जिससे उनकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। सेकेंडली हमें डाइट का इसलिए भी और ख्याल रखना होता है क्योंकि अगर उनको कोई भी गट इशू होगी, सपोज बेड पे हैं, मूवमेंट नहीं है ज़्यादा, जिस हिसाब से उनको कोई भी गट इशू हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, लूज मोशन भी हो सकता है, तो हमें उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है क्योंकि मूवमेंट कम से कम रहे। थर्डली हमें अपने डाइट में जितने भी एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स होते हैं, जैसे हमारे पाइन एप्पल्स हो गए, हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करना है डाइट में। एंड जितनी भी एसिडिक चीज़ें होती हैं जो एसिड कॉज कर रही हैं किसी भी पर्टिकुलर इंसान को, जैसे रिफाइंड फ्लावर्स वगैरह हो गए, रिफाइंड ऑयल्स वगैरह हो गए, रिफाइंड कोई भी चीज़ें, वो नहीं लेना है जिनसे उनकी एसिडिटी कम हो और जो पेन सेंसेशन होती है, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में एसिड ज़्यादा होता है तो पेन सेंसेशन बढ़ जाती है, तो अगर हम एसिडिक वाली चीज़ें कम लेंगे तो पेन सेंसेशन कम होगी और उनको ऑब्वियसली पेन कम होगा, उनकी प्रॉब्लम क्या होगी, तो इस तरह से वो अपनी डाइट मेंटेन कर सकते हैं उनको डेफिनेटली। थैंक यू कांशा। आप सभी ने देखा कि वेलनेस टीम ने कितने अच्छे से हम आपको स्लिप डिस्क के बारे में बताया है। अगर आप में से कोई भी स्लिप डिस्क से परेशान है या इसके बारे में और जानकारी लेना चाहता है तो प्लीज विजिट कीजिए स्पर्श हेल्थ केयर एंड वेलनेस में एंड टेक द बेनिफिट। थैंक यू।